Hello everyone, how are you all? I'm also fine beta, thank you and I welcome you in this session. Okay, so आज की सेशन में हम लोग CBS में चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे. ओके, लास्ट सेशन में हमने यही किया था, कुछ एक्सरसाइजेस हमने की थी और कुछ अभी आपके बाकी हुए बचे हुए थे. ओके, तो आज इसे हम कंप्लीट करते हैं. And beta, if you have any question, any problem, you can ask to me. कोई भी question आपको समझ में ना आया हो, मैं book share कर रही हूँ. आपको कहीं भी कोई problem है तो पहले उसको पूछ लीजिए, उसके बाद आगे की चीजें पढ़ाएं. Okay? Yes. I'm going to share a book. दिखने लगी बुक बेटा, स्क्रीन पे सभी को बुक दिखने लगी. यस मैम. ओके चलिए ठीक है. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ कारवा? अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. कारवा हाउस जो है वो किस पे बना होता है एंड उसका यूज क्या है, किसके लिए बनता है ये? सिस्टर श्रेयांग बेटा, आपने फोन फिर से टच कर लिया, फोन घुमा लिया है, उल्टा कर लिया है. सही करिए फोन अपना. आसना, यू टेल व्हाट इज यूज ऑफ कारवा. कारवा जो है वो क्या है? मैम गाड़ी वाला घर. गाड़ी वाला घर मीन्स ऐसे हाउस है जो कि हम बोलते हैं चलता फिरता घर, जो व्हील पे होता है, पहियों पे होता है ना. एंड कारवा लुक्स लाइक अ वैन, वैन जैसा होता है. अच्छा ये बताइए, कारवा हाउसेस किसके लिए बनते हैं? ये टेम्पररी हाउसेस है या परमानेंट हाउसेस है? मैम परमानेंट. मैम परमानेंट. जिससे पूछा जाएगा बेटा, जिससे पूछा जाएगा वो बताएंगे. फॉलो द रूल्स प्लीज. चलिए मैं पूछ रही थी अनन्या से. अनन्या टेल, कारवा जो है वो परमानेंट है या नहीं? मैम परमानेंट. परमानेंट है. ओके शुभांगी, व्हाट डू यू थिंक बेटा? शुभांगी टेम्पररी हाउस. टेम्पररी हाउस है. ओके गुड. खुशी, व्हाट डू यू थिंक? खुशी टेम्पररी हाउस है, क्योंकि टेम्पररी हाउस. यस टेम्पररी हाउस है जो कि क्योंकि किसी एक जगह पे तो रहता नहीं है, मूव करता रहता है ना. यस मैम. ओके चलिए अदर क्वेश्चन. In which region igloos are built? Yes, ma'am. In which region igloos are built? Igloo houses कहाँ पे बनाए जाते हैं? Ma'am, car. आशना, what do you think? Ma'am, ठंडी जगह पे. कोल रीजन में. ओके गुड. वेदांत बेटा, व्हाट डू यू थिंक? मैम. यस बेटा. मैम कोल रीजन. ओके का जो इग्लूज है वो ठंडे प्रदेशों में बनवाए जाते हैं. इट इग्लूज बनाते हैं. मैम ठंडी जगह पे मैम बनाए जाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि कोल रीजन में रहते हैं, ठंडे प्रदेश में रहते हैं. वो इग्लूज हाउस इग्लूज में रहते हैं और इग्लूज आर मेड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ स्नो. स्नो ब्लॉक से बनते हैं, बास्केट टुकड़ों से, है ना? यस मैम. ओके एक्सरसाइजेस हमने दिया था,
ये आपके लिए कुछ होमवर्क था ना, व्हाट टाइप ऑफ हाउस डू यू लिव इन, ये हो गया था. ओके हमने रूफ ऑफ हाउस भी पढ़ा है ना, है कि नहीं? आप लोगों को आज एक वीडियो दिया गया था, उसमें आपके पूरे चैप्टर का टू पार्ट में वीडियो था, आपने वीडियो देखा? नो मैम. बेटा सभी को देखना था, और ये आप लोग से कहा गया था कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, आपको जरूर देखना चाहिए था. मैम. यस बेटा. हाँ बेटा. मैम उसको लाइक भी किए थे. पर बेटा मैम उसमें मैम कमेंट बॉक्स में मैम अपना नाम हम लिखे थे. ओके गुड. सभी को देखना था. ओके ठीक है. अच्छा ये बताइए समझ में आया था या नहीं, समझ में आया था स्टोरी पूरी, पूरा टॉपिक क्लियर था? चलिए मैं पूछ रहा हूं. ओके चेक करते हैं क्वेश्चन पूछ कर. ओके सो यू हैव टू टेल द आंसर. व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ प्रूफ, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ प्रूफ. अब जिसे मैं पूछूंगी वही बोलेगा, पहले सबको इंग्लिश में नहीं बोलेंगे. स्टॉप एवरीवन एंड यू कैन से योर शो योर हैंड. हैंड शो कर सकते हैं तभी, बट बोलेंगे नहीं. जिसका नेम लेके मैं पूछूंगी वही आंसर देगा. अभी आई वॉन्ट टू चेक दैट आप लोगों ने देखा था या नहीं देखा था वीडियो. ओके लेट मी शी हर्षित. हर्षित ऑन द माइक. व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ हाउस, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ रूफ. हरिया बेटा हर्षित की आवाज ही नहीं आ रही है. मैं हाँ डर. अमन अमन पासवान. अमन की भी यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम. अनंत धर यू टेल. मैं स्लॉपिंग फ्लैट एंड डोम. वेरी गुड. स्लॉपिंग रूफ, फ्लैट रूफ एंड डोम शेप्ड रूफ. अंशु यू टेल बेटा. अंशु अंशु बेटा टेल. नहीं आता. ओके अनुष्का ऑन द माइक बेटा. अनुष्का यस मैम. टेल मैम क्या. व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ रूफ. इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखा इसलिए बोला गया था सभी को देखना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं. वेदांत वेदांत ऑन द माइक. मैम वेदांत बेटा. पिंक फ्लैट एंड डोम. मैम हाँ टेल बेटा. मैम स्लोपिंग फ्लैट एंड डोम. स्लोपिंग फ्लैट एंड डोम वेरी गुड. ओके श्रियांक यू टेल. मैम स्लोपिंग फ्लैट एंड डोम. वेरी गुड. ओके नेक्स्ट अनुष्का कहूंगा. शुभांगी शुभांगी बेटा ऑन द माइक. मैम स्लॉपिंग रूफ, मैम फ्लैट रूफ, मैम डोम. डोम सेप. ओके गुड वेरी गुड. यस खुशी खुशी बेटा यू टेल. मैम व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ रूफ. मैम के पापा कहा. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. आपसे पूछा जा रहा है खुशी. अब है बेटा ऑन द माइक. अब है अभय गुप्ता. एयरटेल अनुष्का. चल बेटा अनुष्का. बेटा अब है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका वीडियो भी पॉज हो रहा है, इसका मीन्स आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है. आप नेटवर्क में बैठा करिए, आप कई दिन बाद क्लास भी ले रहे हो. मैं आपके रुक रुक के आ जा रही हूँ. ओके बेटा अनुष्का टेल.
मैम स्लोपिंग फ्लैट एंड डोम स्लोपिंग फ्लैट एंड डोम से कंचन आपने सुना कंचन यू टेल व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ रूफ मैम स्लोपिंग फ्लैट एंड डोम गुड वेरी गुड सो के लिए पोएम था अबव योर हाउस आई विल ऑलवेज स्टैंड लाइक अ क्राउन प्राउड एंड ग्रैंड पढ़ा था ना हमने इसको आपके घर के ऊपर मैं हमेशा स्टैंड रहता हूँ लाइक अ क्राउन किसके जैसा क्राउन जैसा क्राउन मीन्स मुकुट जैसा जैसे किंग लोग मुकुट पहनते हैं ना और ये जो क्राउन है वो किंग लोग का प्राइड होता है ऐसे ही मैं भी आपके होम का प्राउड हूँ और मैं आपको बचाता हूँ किससे सनलाइट से रेन स्टॉर्म से ओके पीपल मेक मी इन डिफरेंट शेप्स लोग मुझे अलग अलग शेप में बनवाते हैं जैसे स्लॉपी रूफ फ्लैट रूफ डोम शेप सो कैन यू गेस हु आई एम मैं कौन हूँ आई एम roof yeah I am the roof of your house okay yes ma'am humne kuch rules bhi jana tha na kya unko se rules follow karke hum apne home ko clean rakh sakte hain neat rakh sakte hain and apne surrounding ko hum neat rakh sakte hain hai na ma'am bowling yes ma'am ओके चलिए लेट्स ट्राई का क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करते हैं मोहन स्टेज इन प्लेस वेयर इट रेन वेरी ऑफन ध्यान से सुनो बेटा सभी को क्वेश्चन समझकर आंसर देना है सो दैट यू नीड टू लिसन केयरफुली बी कॉन्सेंट्रेट प्लीज सभी को सुनाई दे रहा है ना बेटा सभी को सुनाई दे रहा है ना ओके क्वेश्चन देखते हैं मोहन स्टेज इन अ प्लेस मोहन बेटा किसके हाथ से आवाज आ रही है खुशी आपके यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए मोहन जो है ऐसे प्लेस में रहता है वेयर इट रेन्स वेरी ऑफन जहाँ पे हमेशा अक्सर बारिश होती है ओके द रूफ ऑफ हिज हाउस इज फ्लैट उसके घर की जो छत है वो फ्लैट है व्हाट टाइप्स ऑफ रूफ्स शुड ही हैव तो उसको अपने घर की कौन सी छत बनवानी चाहिए एंड क्यों एंड व्हाई सभी गेस करेंगे हैंड शो करेंगे प्लीज हैंड शो करेंगे सभी जिसे पूछूंगी वो आंसर देगा खुशी टेल ऑन द माइक अब नहीं बोल रही बेटा टेल मैम मैम उसको मैम मैम उसे मैम यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे बारिश अक्सर बारिश होती है ठीक है लेकिन उसके हाउस की जो रूफ है जो छत है वो क्या है फ्लैट है समतल है तो आपको ये सजेस्ट करना है कि उसके घर की छत कैसा कैसी होनी चाहिए एंड व्हाई एंड क्यों होना चाहिए हैंड शो करिए मुझे दिख रहा है मैं सब पूछूंगी सभी से बेटा हैंड शो करिए हर्षित टेल मैम डैड बेटा हर्षित आपकी आवाज नहीं आ रही सही से ओके बनना चाहिए मैम हाँ बेटा हर्षित मैम मैम आई डैड लूप से बनना चाहिए कैसे बना होना चाहिए आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही बेटा मैम इग्लू से मैम इग्लू से बना होना चाहिए अच्छा यस मैम जानवी व्हाट डू यू थिंक बेटा
उसके घर की छत जो फ्लैट है कैसी होनी चाहिए अभी तो बारिश होता है? मैम मजबूत होना चाहिए। अच्छा अनन्या साइलेंट, मैंने आपका आंसर सुन लिया, मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अभी बीच में नहीं बोलेंगी प्लीज। ओके श्रियांक, श्रियांक बेटा यू टेल, अनम्यूट योरसेल्फ, माइक ऑन करो बेटा, माइक ऑन करिए। मैम बहुत बड़ा और मजबूत, बहुत बड़ा मजबूत होना चाहिए। अच्छा अंशु व्हाट डू थिंक, अंशु ऑन द माइक। मैम बुला दिया। यस मैम। चल बेटा साइलेंट एक मिनट, अंशु को बोल लेने दो। यस अंशु। मैम बहुत बड़ा मैम मजबूत होना चाहिए। अच्छा रौनक व्हाट डू थिंक बेटा, कैसा होना चाहिए? मैम बड़ा मजबूत। ओके कंचन आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए? व्हाट बेटा? मैम हाँ बेटा आनंद हो क्या? मैम प्लेन एरिया, प्लेन एरिया। अच्छा साइलेंट रही अभी आपका बेटा, टेल योर नेम, कौन बोला है ये? मैम आनंद। आनंद बेटा बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे प्लीज, जब मैं लाइन से तभी से पूछ रही हूँ, आपको वेट करना चाहिए। ओके जब कोई बोलने लगता बीच में आप ही मैम मैम शुरू कर देते हो, ये बैड हैबिट है। ओके चलिए आपने प्लेन बोला, ये आपका आंसर भी मैं अभी बताती हूँ लास्ट में क्या होता है। ओके अनुष्का बैम्बू पोल पे बना, मतलब घर तो बैम्बू पोल पे होना चाहिए ठीक है, बट घर की जो छत है वो कैसी होनी चाहिए? आपने देखा ना यहाँ थ्री टाइप ऑफ रूफ, रूफ जो है वो थ्री टाइप के होते हैं, स्लॉपी फ्लैट है डोम से, इन तीनों में से इसका जो रूफ है वो फ्लैट है, लेकिन फ्लैट होने से इसको दिक्कत हो रही है, तो आपको सजेस्ट करना है कैसा होना चाहिए। किसकी आवाज इतनी आवाज आ रही है? खुशी आप बार बार अपने आपको म्यूट अनम्यूट कर लेती है, आपके यहाँ से डिस्टर्ब होता है बार बार। जहां पे लोग टीवी देख रहे हैं प्लीज वहां से हट जाइए। चलिए मैं बताती हूँ, उसके घर की जो रूफ है आपको ऐसा आंसर लिखना है, आई थिंक द रूफ ऑफ हिज हाउस शुड स्लॉपिंग रूफ। क्या लिखेंगे? आई थिंक द रूफ ऑफ हिज हाउस शुड स्लॉपिंग रूफ, स्लॉपिंग रूफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज इफ द रेन फॉल डाउन इट कैन स्लाइड इजली, बारिश की बूंदे जब गिरे तो आसानी से वो स्लाइड सरक जाए नीचे, क्योंकि अगर फ्लैट रूफ है तो पानी उसके घर के छत पे भरा रहेगा, होगा कि नहीं बेटा? होगा, भरा रहेगा ना, क्योंकि जब हमेशा हर दिन बारिश हो रही है और कंटिन्यू बारिश हर दिन होती है, तो बारिश के जो वाटर है उसके छत पे भर जाएगा, इसलिए उसके घर की छत ऐसी होनी चाहिए जिससे पानी आसानी से नीचे बह जाए। सो दैट आपको आंसर लिखना है, आई थिंक द रूफ ऑफ हिज हाउस शुड फ्लॉपिंग रूफ, FLOPING, फ्लॉपिंग लिखना है, फ्लॉपिंग रूफ। एंड रीजन क्या है, क्यों होना चाहिए, इसके लिए आप लिखेंगे सो दैट वाटर कैन स्लाइड इजली। ओके कर लेंगे, स्लाइड होता है सरकना। ओके SLIDE, स्लाइड, स्लाइडिंग सरकना, सरकना। समझ में आ गया इसका आंसर? यस मैम। एनी प्रॉब्लम बेटा, कोई भी स्पेलिंग में अगर डिफिकल्टी हो, समझ में ना आ रहा हो, या सेंटेंस बनाने में डिफिकल्टी आ रही हो, आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दे रही हूँ। एक बार फिर से बोल दूँ आंसर? मैंने क्यों बोला? ओके आप लिखेंगे ऐसे, आई थिंक द रूफ ऑफ हिज, यहाँ से क्वेश्चन से आंसर शुरू करेंगे, देखिए क्वेश्चन से मैं आंसर बोल रही हूँ,
आप फर्स्ट लाइन को बिल्कुल कट कर देंगे, यहां से लिखेंगे आई थिंक द रूफ ऑफ हिज हाउस शुड स्लॉपिंग रूफ, ठीक है, शुड मीन्स चाहिए, ओके, शुड स्लॉपिंग रूफ मीन, हाँ बेटा मैम इसकी हिंदी बता दीजिए। देखिए किसकी हिंदी, क्वेश्चन की हिंदी, मैंने बताया तो अभी क्वेश्चन की हिंदी, मोहन जो है मोहन स्टेज इन अ प्लेस, आंसर की, ठीक है, पहले क्वेश्चन आंसर सुनो तो कैसा लिखना है, उसके बाद हिंदी बता देती हूँ, ओके। आई थिंक द रूफ ऑफ हिज हाउस शुड स्लॉपिंग रूफ सो दैट वाटर कैन स्लाइड इजली। आई थिंक मीन्स मुझे लगता है मोहन के घर की जो छत है वो स्लॉपिंग होना चाहिए, ढलुआ होना चाहिए, ठीक है, जिससे पानी जो है वो आसानी से नीचे सरक जाए, उसके घर पर उसके छत पर इकट्ठा ना हो, ओके, समझ में आया, कर लेंगे अभी। यस मैम। ओके, लुक एट द क्वेश्चन नंबर टू, मैच द फॉलोइंग, अभी हमको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से, लुक केयरफुली, फ्लैट रूफ, अब आपको ये पता करना है फ्लैट रूफ हाउसेस किस एरिया में होने चाहिए। मैम प्लेन रूफ, मैम प्लेन एरिया, मैम प्लेन एरिया, मैम प्लेन एरिया, ओके प्लेन एरिया, ओके ओके, एंड स्लैटिंग स्लैंटिंग रूफ, यस बेटा, एंड आर्च रूफ, लुक केयरफुली, आर्च रूफ मीन गोल गोल वाले बेटा, पहले सुन लिया करो प्लीज, स्नो कवर्ड एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे बर्फबारी होती है, बर्फ गिरते हैं, ठीक है, जैसे ग्लू एरिया, ग्लू हाउसेस, उसकी छत कैसे होती है, गोल होती है ना, यस मैम, ओके, नेक्स्ट आता है स्लॉपिंग रूफ, अभी आपने पढ़ा स्लॉपिंग रूफ कहाँ पे होती है, रेनी एरिया, चलिए अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, ओके, साइलेंट एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कंचन, फ्लैट रूफ कहाँ पे होने चाहिए, किस एरिया में कंचन, मैम पहले कंचन बोलेंगी, कंचन क्या है, प्लेन एरिया, अनंत, मैम प्लेन एरिया, प्लेन एरिया, स्लैंटिंग रूफ, रौनक ऑन द माइक, रौनक, मैम मैं आइटल, यस बेटा टेल, मैम अरे अब बेटा जल्दी बोलो ताकि मैं किसी और से भी पूछूं, सृष्टि, सृष्टि आपने एक भी आंसर नहीं दिया, सृष्टि यू टेल, स्लैंटिंग रूफ कहाँ पे होनी चाहिए, मैम प्लेन एरिया, नो हिली एरिया, मैम हिल्स एरिया, मैम रेनी एरिया, मैम रेनी एरिया, मैम रेनी एरिया का, नो बेटा रेनी एरिया में स्लॉपिंग रूफ होगा, अभी आपने पढ़ा है, मैम रेनी एरिया में स्लॉपिंग रूफ होगा, स्लैंटिंग रूफ होगा हिली एरिया में, एंड आर्च रूफ होगा स्नो कवर्ड एरिया में, ओके, कर लेंगे ना, यस मैम, ओके, चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं, लेट्स रिकैप जो भी हमने पढ़ा इस चैप्टर में, हम रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट नोट है इंपॉर्टेंट टॉपिक का,
There are two type of houses. How many type of houses? Kachcha house and pakka house. Kachcha house and pakka house. Two type of houses hote hain. Okay. Yes. Look at the highlight, please. Second note dete hain. Bungalows and apartment are example of pakka houses. बंगलो एंड अपार्टमेंट जो है वो पक्का हाउसेस में आते हैं, है ना। एंड थर्ड नोट है, हट एंड बैम्बू हाउसेस आर एग्जांपल ऑफ कच्चा हाउसेस। हट एंड बम्बू हाउसेस मतलब जो बांस के घर होते हैं, बांस पे बने हुए ऐसे हाउसेस कच्चा हाउसेस में आते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, हट बंगलोज एंड अपार्टमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट हाउसेस। हट बंगलो और अपार्टमेंट जो है वो परमानेंट हाउस है, मतलब जो एक बार बना ले तो काफी समय तक रहता है, है ना, कई सालों तक रहता है परमानेंट हाउस, है ना। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, कारवान, टेंट एंड हाउस बोट आर एग्जांपल ऑफ टेंपरेरी हाउसेस। कारवान टेंट वाला हाउस जो है एंड हाउस बोट ये टेंपरेरी हाउसेस में आते हैं। ओके बेटा, आरोही अपना नेम डाल के ज्वाइन करिए, किसी और का नेम नहीं, सॉरी आसना, आपने अपना नेम रॉन्ग डाल के ज्वाइन किया है। ओके चलिए बुक बी पे आते हैं, हम बुक बी की एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। ओके यस मैम। अब जिसे पूछेंगे बेटा वही बोलेगा, अभी सभी ध्यान से देखेंगे। हाउसेस वी लिव इन, आपको यहाँ पे डेट डालना है एंड एच डब्ल्यू डालना है। लुक द क्वेश्चन, कंप्लीट ई सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में कई सारे वर्ड्स दिए हैं ना, परमानेंट, मल्टी स्टोरी, पक्का, बैंगलो, कारवा, है ना। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले सेंटेंसेस को पढ़ना है। सभी लोग रीड करते हैं, हाउसेस मेड ऑफ स्टोन्स, सीमेंट, वुड एंड ब्रिक्स आर नोन एज। सभी ध्यान से सुनिए, फिर आप हैंड शो करिए, अगर आपको आंसर पता है आप हैंड शो करेंगे। ओके ध्यान से देखते हैं, once again, houses made of stone, cement, wood and bricks are known as houses. ऐसे houses जो stone से बने हैं, cement, इसको बनाने में stone, cement, wood and bricks use किया गया है। ऐसे houses कैसे houses होते हैं? कंचन, you tell. Ma'am. Yes, yes, tell. कंचन मैम, जल्दी से बोलो बेटा, आपने हैंड शो किया तभी मैंने आपसे पूछा है। चल मम्मी आई, चल बेटा, इतना टाइम नहीं लगाते बोलने में। सुभांगी यू टेल बेटा। मैम बेंगलोर हाउस। नो बेटा, रॉन्ग, थोड़ा सा आपने समझ में नहीं आया। पक्का, यस पक्का हाउस। क्या हो गया यहाँ पे वेदांत? मैं पक्का, पक्का हाउस। खुशी? मैं पक्का, पक्का हाउस। ओके, हाउस ऐसे हाउस है जिसको बनाने में, यस इसको बनाने में स्टोन, सीमेंट, वुड एंड ब्रिक्स यूज किए जाते हैं। ऐसे हाउसेस होते हैं पक्का हाउसेस। ओके मैम, पेज नंबर? बेटा बुक बी का पेज नंबर, आई थिंक पेज नंबर 12, यस ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सेंटेंस नंबर बी, अ बिल्डिंग विद मेनी स्टोरीज इज नोन एज अ। ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे मेनी स्टोरीज, कई मंजिला होते हैं, कई पार्ट होते हैं, उसको कैसी बिल्डिंग कहते हैं?
अनुष्का ऑन द माइक मैम पैमामैन मैम परमानेंट परमानेंट नो बेटा स्टॉप यही आपका बैड हैबिट है प्लीज पहले सुना करिए एंड समझा करिए फिर हैंड को किया करिए रॉन्ग आप लोग जल्दबाजी में गलती कर जाते हो रॉन्ग बोल रहे हैं वेदांत नहीं है अंशु अंशु यू टेल अंशु ऑन द माइक अब जिससे पूछते हो बोलते रहे वैसे शुभांगी से पूछो क्या नहीं कौन सा पेज नंबर है सियांग यू टेल बेटा मैम कौन सा पेज नंबर है बेटा अभी पेज नंबर में मत ध्यान दो प्लीज बुक पे मैं जो बुक स्क्रीन पे दिखा रही हूँ बुक पे देखो ये बुक बी का वर्क है पहले समझेंगे तब तो करेंगे अभी अपने बुक में आप बात नहीं करना अभी साथ में कोई फिलअप नहीं करेंगे बिल्कुल भी नहीं पहले समझेंगे उसके बाद सेशन एंड होने के बाद अपने बुक में भरना ओके ठीक है ना यस चीटिंग नहीं करना है समझ कर करना है माइंड लगाना है सभी को बेटा कंचन आपका आंसर रॉन्ग है फिर से ध्यान से सुनिए इसको बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग जो कि जिसमें कई सारी स्टोरी होते हैं एक मतलब कई मंजिला होता है कई अपार्टमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं वेदांत परमानेंट हाउस मैम मल्टी स्टोरेज हाउस मल्टी स्टोरी वेरी गुड मल्टी स्टोरी हाउसेस ठीक है कर लेंगे ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पे आपको राइट करना है मल्टी स्टोरी कर लेंगे ओके लुक एट द सेंटेंस नंबर सी हाउसेस दैट आर अटैच टू द ग्राउंड आर नोन एज हाउसेस ऐसे हाउसेस जो कि ग्राउंड से जुड़े होते हैं कैसे हाउसेस है वो अनंत बंगला होगा बंगला करेंगे परमानेंट नहीं हाँ यहाँ पे परमानेंट होगा ओके हाउसेस दैट आर अटैच टू द ग्राउंड आर नोन एज परमानेंट हाउसेस ठीक है और लास्ट वाला अ सिंगल और डबल स्टोरी हाउसेस विद अ लॉन इज नोन एज ऐसा हाउस जहाँ पे सिंगल स्टोरी भी हो सकता है या फिर डबल स्टोरी बिल्डिंग हो सकती है और जिसके सामने लॉन होता है ऐसा हाउसेस होगा बंगला ओके कर लेंगे चलिए बेटा तो आज का सेशन हम एंड करते हैं आपका ये वर्क है इस वर्क फॉर टुडे इस हाँ बेटा ये अनन्या बोलो क्या पूछना है आपको बुक बी से बुक में करना है ठीक है कार वाली लिखेंगे समझो क्या है कारवा कैसे लिखेंगे यहाँ पे आप बंगला लिखेंगे बंगला बी यू एन जी ए एल ओ डब्ल्यू बंगला होगा ओके फिर से रिपीट कर लेते हैं फर्स्ट में आपने क्या किया यहाँ पे पक्का हाउस बी में मल्टी स्टोरी सी में डी में परमानेंट ओके एंड डी में बंगला ओके
मैम ओके चलिए ठीक है बेटा, आज का टाइम ओवर हो गया, अच्छे से एंड करते हैं, बाकी चीजें में हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके गुड बाय एवरीवन। यस गुड बाय।